समझ गए ना। तो ये पहला इसमें क्या है कि बिग बैंग, बिग बैंग इज द हेट्रोफेज। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग, हाँ बिग बैंग जो है ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो सृष्टि हुआ है, ये जो सौर मंडल है, यह एक विस्फोट की वजह से हुआ। जो ब्लैक कहना है उसका कि ब्लैक होल जो इस ब्रह्मांड में है, उसके तरफ से कोई एक तारा जा रहा था और उसका वो जो है ना, उसको खींच लिया, उस तारा को ब्लैक होल ने खींच लिया और उसके बाद जो दोनों मिलकर के बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ कि सब आग की तरह से सब फैल गया सब। बट धीरे धीरे सोलिडिफाई करके सूरज बन गया, धरती बन गया और सारा जो है ना सौर मंडल बन गया। बढ़िया, समझ गया ना। तो ये बिग बैंग का जो फेनोमेना है इसको हेट्रो कहा गया। इसकी वजह से धरती अलग है, धरती सूरज के साथ मिला हुआ नहीं, या कोई भी प्लेनेट एक दूसरे के साथ सटा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है। ये इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि हेट्रो पावर ने सबको अलग अलग कर दिया, लेकिन न्यूट्रो पावर ने सबको जोड़ के रखा हुआ भी है ना। तो बिग बैंग इज द हेट्रो फेनोमेनन, ठीक है। ये बिग बैंग की वजह से आप बहुत सारा चीज समझने के लिए आपको मिलेगा। कहीं बम विस्फोट होता है, हेट्रो इवेंट है, उसमें और क्या क्या चीज निकल के आ जाता है, ये सारा बिग बैंग का फेनोमेना होता है या हेट्रो फेनोमेना है। हेट्रो के फेनोमेना से आप बहुत सारा चीज डिराइव भी कर सकते हैं। अगर न्यूट्रो के अथी से हुआ है वह बिग बैंग, तो वह न्यूट्रो उसको सबको सिस्टमेटाइज भी कर देता है चीज़ों को, इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से है भी। एक तरफ तो बिग बैंग हुआ तो इसका मतलब सारा का सारा नष्ट तो नहीं हो गया, सूरज भी रह गया, धरती भी रह गया, ऐसा तो बिग बैंग होने की इतना हेट्रो की वजह से भी ये सारा सिस्टमेटिक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं होमो और न्यूट्रो साथ में काम कर रहा था, है ना। हेट्रो ऑलवेज क्रिएट्स न्यू थिंग्स। हेट्रो जो है हमेशा नया चीज पैदा करेगा, उसको पुराने चीजों में मजा नहीं आता, हमेशा नया चीज। एडमंड हिलरी जो है न्यूजीलैंड का था, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार वो सबसे ऊपर चढ़ गया था, क्रिएटेड ए न्यू थिंग, है ना। और नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार जो है चंद्रमा पर अपना पैर रख दिया, फुटप्रिंट्स डाल दिए, दैट वाज ए न्यू थिंग। हाँ, मैंने आविष्कार तो नया अलग चीज हो गया, बट कोई चीज नया चीज कर देना या नया चीज पा लेना, ये न्यू थिंग्स के तरफ जो है ये हेट्रो रहता है ऑलवेज। हम यहाँ बैठे हैं, है ना, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, हो सकता है कि आप लोग ना आते, आपको लगा कि ओ सुजुक तो जान लेंगे, ट्रायल जी आदि वो क्या कहते हैं TCM जान लेंगे, सारा चीज है, कपिंग से हो जाएगा, इलाज उलाज तो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं ये ट्रायल जिन क्या है ना, इसमें इलाज समझ में आ रहा ना, क्या क्या थ्योरी है ये। आपने एक नया चीज में हिम्मत करके आप आगे बढ़ गए, तो ये आपको नया चीज खोजने की इच्छा हुई। हाँ, नया चीज खोजने की इच्छा हुई तब आप यहाँ चले। एक उदाहरण समझते हैं, अभी पहले बात चली कोई पेशेंट का डिप्रेशन में, तो वह यह माना जाएगा कि उसका हेट्रो पावर डिफिशिएंट है। वो बीमारी का तो हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि उसका होमो पावर बढ़ गया, डिप्रेशन का मतलब कि होमो बढ़ा हुआ है। नहीं, ये सब यहाँ आए सब हेट्रो वाले हैं, ये बताएं। हेट्रो घटा हुआ तभी होमो बढ़ा हुआ है। हाँ, हेट्रो घटा हुआ है, होमो बढ़ा हुआ है, इसलिए वो बीमारी को पकड़ लिया और माइंड को पकड़ लिया तो बॉडी को पकड़ लिया। ठीक, अच्छा है, बीमारी पर धीरे धीरे आप लोग जाइए, क्योंकि एज ए डॉक्टर जो है आप लोग इसको बीमारियों को इसमें देखेंगे, हेट्रो और होमो को जब आप बीमारियों में देखेंगे, यू विल बी वेरी गुड डॉक्टर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप फंडामेंटली जान रहे हैं बीमारी कैसे पैदा हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ठीक करने के बाद फिर क्यों आया, ये आपको पता चल जाएगा, ये ट्रायल समझने से, है ना। हेट्रो ऑलवेज क्रिएट्स न्यू थिंग्स, आपने जान लिया, हमेशा नया नया चीज क्रिएट करेगा, है ना। और बच्चे लोग भी नई नई चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें भी हेट्रो कैपेसिटी ज्यादा रहती है,
आप भी बाजार जाते हैं तो कोई नया आइटम आया क्या, ये पूछते हैं दुकानदार से। तो ये ड्यू टू हेट्रो की वजह से होता है। हेट्रो एक्सपेंड्स एंड एम्पलीफाइज थिंग्स। हेट्रो जो है एक्सपेंड करता है, किसी चीज को फैलाता है ना, और फैलाने की कैपेसिटी रखता है। जैसे छोटे मदर्स वोम में बच्चा था तो बढ़ते बढ़ते बड़ा होता चला गया,